तो हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा और गोहान के सामने बार्डोक आ चुका होता है और बार्डोक को देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है ककराट, ये तो तुम्हारे डैड हैं। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या सच में ये तुम ही हो ककराट? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आखिर तुमसे मिल पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी तक जिंदा बचे होंगे। जिस पे गोकू कहता है, क्या सच में ये मेरे डैड हैं? डैड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर आप जिंदा हो, लेकिन आप जिंदा कैसे हो गए? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, मुझे तो उस मीरियम ने जिंदा किया है ककराट, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ही नाम गोकू है? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ डैड, मेरा ही नाम गोकू है। ये मेरा यहाँ पर प्लेनेट अर्थ में रहने वाले लोगों ने नाम रखा है। वैसे सच बताऊं तो ये नाम मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, ककराट, लेकिन आखिर ये कौन है जिसका नाम गोहान है? मैं वेजिटा को जान चुका हूँ कि ये किंग वेजिटा का बेटा है। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हे, मेरा नाम गोहान है और आप मेरे ग्रैंडपा हो, यानी कि मैं आपके बेटे ककराट का बेटा हूँ। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या सच में तुम ककराट के बेटे हो? क्या तुम मेरे ग्रैंडसन हो? तो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो और मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया। जिसके ऊपर गोहान कहता है, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, वैसे भी आपको इसके बारे में नहीं पता था। जिसके बाद वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर ये कैसा हो सकता है? उस मीरियम ने आखिर बार्डोक को ही जिंदा क्यों किया? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, वेजिटा, जहां तक मुझे पता है उस मीरियम के कोई अच्छे खास इरादे नहीं है, इसीलिए शायद उसने मुझे जिंदा करा हो और मैं भी ये नहीं जानता कि आखिर उसने मुझे जिंदा क्यों किया। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर वीस भी आ जाता है, जिसे देख के गोकू कहता है, हे वीस, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुमने तो बोला था कि तुम अब हमसे कभी भी नहीं मिल सकते। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या करे गोकू, तुम्हें तो पता है कि हालात कैसे हो चुके हैं, जिस वजह से हम एंजल्स को भी मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं गोकू, कि ये तुम्हारे फादर बार्डोक, जिसे मेरियम ने जिंदा किया है, हो ना हो उसने ये सब एक मकसद की वजह से ही किया होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय में तुम्हें दो काम करने हैं जिससे ही तुम उस मेरियम को रोक सकते हो। जिस पे वेजिटा कहता है, क्या आखिर क्या बात है वीस, हमें बताओ, हम कैसे भी करके उस मेरियम को रोक के रहेंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है कि तुम लोगों को कैसे भी करके मेरियम से बच के रहना है, क्योंकि अगर इस समय में मेरियम का सामना तुम में से किसी से भी होता है तो वो तुम्हें जरूरी मार देगा, खास करके गोकू तुम्हें, क्योंकि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, तो मेरियम को शायद तुमसे खतरा लगता होगा, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे कभी भी आ सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तो आखिर दूसरी बात क्या है, आखिर हम मेरियम को कैसे रोक पाएंगे वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, दूसरी बात, एक ऐसा शख्स है जिसके पास इस समय में काफी ज्यादा शक्तियां हैं और इस समय में वो यूनिवर्स 7 के अंदर ही मौजूद है, लेकिन आज से पहले उससे कोई भी नहीं मिल सका है, तो तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा गोकू वेजिटा। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो हो ना हो मेरियम को हराने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर तुम सभी लोग एक साथ मिलकर फिर मेरियम से लड़ोगे तो हो सकता है कि तुम उसे और उसके साथियों को हरा सकते हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो आखिर वो शख्स कौन है और वो हमें कहां पर मिलेगा वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, ये तो मुझे नहीं पता वेजिटा, लेकिन तुम्हें उस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरियम ने बार्डोक को जिंदा किया है तो उसके अलावा वो अपने और भी साथियों को जिंदा कर सकता था, लेकिन ये सब उसका कोई ना कोई प्लान होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वीस, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उस शख्स को ढूंढ के ही रहूंगा, हम उस मेरियम को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहेंगे। जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, अगर हमें उस शख्स को ढूंढना है तो हम सभी को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम उस शख्स को बहुत ही जल्दी ढूंढ पाएंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोहान, तुम ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हो अगर तुम सभी अलग अलग ढूंढने गए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरियम के साथी कितने ज़्यादा चालाक हैं, वो भी इस ब्रह्मांड में ही कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। जिसपे वेजिटा कहता है, तो ठीक है, मैं और ककराट उस शख्स को ढूंढने के लिए जाएंगे और गोहान तुम और बार्डोक अलग ढूंढने जाना। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हाँ वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो। गोहान, क्या तुम तैयार हो
तो हमें चलना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते ही बाडो और गोहान वहां से निकल जाते हैं और वीस कहता है, गोकू वेजिटा तुम दोनों को भी अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे प्लेनेट अर्थ को वापस से रिवाइव करके सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा भी वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद हम सभी को मीरियम का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो डिमिग्रा समय आ चुका है कि अब हमें भी अपने अपने रास्तों पे चलना चाहिए। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या बात है लॉर्ड मीरियम, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है, मैं जरा कुछ समझा नहीं। जिसके ऊपर मीरियम वापस से कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसा कि मुझे लगा था कि वो सैयन भी उन बाकी सैयन से मिल चुका है, तो अब उन सभी सैयन का खात्मा करना जरूरी है। तुम जाओ और उसे खत्म करो जब तक मैं भी उन बाकी के सैयन से मिलता हूँ। जिसके बाद मोरो कहता है, तो लॉर्ड मीरियम आखिरकार मुझे क्या करना है। जिसके ऊपर मीरियम कहता है, तुम जानते हो मोरो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और ये बोलते हैं मीरियम और डिमिग्रा भी वहां से निकल जाते हैं और हम सभी देखते हैं कि गोकू वेजिटा और ये सारे लोग उस एक शख्स को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। जिसके ऊपर बाडो कहता है, क्या सच में तुम मेरे ग्रैंडसन गोहान ही हो, मुझे तुम्हारी शक्ति देख के काफी अच्छा लगा गोहान। जिसके ऊपर गोहान भी कहता है, हाँ ग्रैंडपा मुझे भी आपकी शक्ति देख के काफी अच्छा लगा, आपने वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू को अटैक कर दी, वो भी सिर्फ अपने सुपर सैयन फॉर्म के अंदर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके ऊपर बाडो कहता है, ये बात मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा गोहान, लेकिन पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी हम सभी देखते कि उन दोनों के ऊपर एक काफी बड़ा अटैक आता है जिससे गोहान और बाडो की काफी दूर जगह गिरते हैं और हम सभी देखते कि वहां पर डिमिग्रा आ चुका होता है और डिमिग्रा कहता है, दो के बाद सैयन हमने क्या सोचा था और तुम क्या निकले, तो अब लॉर्ड मीरियम ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और तुम्हारे साथ में ही मैं इस सैयन को भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि उस सैयन को ढूंढने के लिए जो कि उस शख्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू और वेजिटा को एक आवाज आती है, तो आखिरकार नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। और हम सभी देखते कि वहां पर मीरियम आ चुका होता है और गोकू और वेजिटा मीरियम को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है केकरोट। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो यही वो मीरियम है ना वेजिटा, तो आखिरकार ये हमारे सामने आ ही चुका है, तो अब हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिसके ऊपर मीरियम हंसते हुए कहता है, नादान सैयंस तुमको क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूं कि डिमिग्रा तुम्हारे उन दोनों साथी सैयंस के पास पहुंच चुका है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और ये तुम चारों सैयंस का अंत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ जैसे एक डीमन को इतनी आसानी से हरा सकते हो, वो तुम्हारा जिनोसामा ही हमें नहीं रोक पाया, तो आखिर तुम मामूली सैयन क्या हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मीरियम वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर हम सैयंस के पास कितनी शक्तियां हैं और हम तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वेजिटा, हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ क्या करोट, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस मीरियम का ये आखिरी समय है। तो यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, मुझे मालूम है कि आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है, सो यार इसीलिए अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। और हाँ अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है सो इस वीडियो का लाइक है मैं 500 लाइक का रख रहा हूँ और अगर आप सभी आज इसके अंदर 500 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊंगा।